नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिया के नीचे गिरने से जीवनदास की लीला हुई समाप्त। मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल थाना अंतर्गत कामापुर कला के अमृत सरोवर की नाली में गिरने से जीवनदास बिंद 45 वर्ष की दर्दनाक मौत हो गई। दिनांक 11 अक्टूबर को सुबह जब ग्रामीणों ने तालाब की नाली में गिरे अधेड़ को मृत अवस्था में देखा तो तत्काल गैपुरा पुलिस को सूचना दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जीवनदास पुत्र शंकर लाल दुलजनीपुर द्रमणगंज थाना हलिया का निवासी था और उसकी दो बहनों की शादी कामापुर क्षेत्र में हुई है और वह अक्सर कामापुर गांव में ही रहकर पत्थर के खनिया में काम करता था और ज़्यादा समय यहीं गुजरता था। बताया जाता है कि बीते सोमवार की रात दोस्तों संग पार्टी हुई और उसी में शराब का दौर चला। खाना खाकर सभी दोस्त अपने घर चले गए और जीवनदास नशे की हालत में तालाब की पुड़िया पर बैठा था और नीचे गिर गया होगा। मृतक के चार लड़के प्रमोद 23 वर्ष, अर्जुन 20 वर्ष, आशीष 16 वर्ष और अजय 12 वर्ष हैं। पत्नी उषा देवी का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि परिजनों का आरोप था कि हत्या कर शव को फेंक दिया गया है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद कैपुरा चौकी प्रभारी रविकांत मिश्र ने शव को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए भेज दिया। सत्यात्रा न्यूज़ से आशुतोष शर्मा की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। जो मृतक हैं वो क्या कौन थे आपके? हमारे पिताजी। आपके पिताजी हैं जी। कैसे मृत्यु हुई है? यहाँ से कोई धकेल दिया है इनको। अच्छा, यहाँ से कोई धक्का दे दिया है जी। तो कितनी उम्र थी इनकी? लगभग 50 साल। क्या नाम था? जीवनदास बिंद। अच्छा, तो कल कितने बजे की घटना है ये लगभग? हमें नहीं पता है। हमारा घर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, 35 किलोमीटर दूर। ये ड्रामगंज रहने वाले थे जी? अभी हम सुबह में आए हैं गाड़ी लेकर, पता पाए हैं तब। मतलब ये आप लोग ड्रामगंज के रहने वाले? यहाँ कैसे पहुँच गए? यहाँ पे रहते थे अपने बहन आवरे में। अच्छा, बहन के यहाँ रहते थे। तो क्या दारू ज्यादा पीते थे? बहुत ज्यादा नहीं पीते थे, पीते थे। तो आपको किसी के ऊपर शक है? बता रहे हैं। कौन है? कौन है? हमारी बड़ी बुआ। हाँ बताइए बताइए। सुनिए, साल भर हमारे घरे रहते रहे, हमारे घर महुआ डाढ़ा हुआ। आयरन साग सब्जी आ नहीं जाए, नहीं दे साहेब कहे कि रुका हमारे यहाँ नहीं होता, कहीं ले पूरी खिया। कौन कौन? राजकुमार राम रेखा के बेटवा हुआ घर हुआ साहेब। अच्छा, ये रात के 12 बजे भागा बा गाड़ी लेकर अपन भाग गो अब रात तक। अच्छा, भाग गया है? हाँ भागा बा साहेब, नहीं है देश में, नहीं बा देश। क्या उससे पहले भी कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था? साहेब दारू पिया, पैसा रहे तो दारू पिए। राजकुमार कहाँ घर है उनका? उनका कामापुर घर है। तो रात में कितने बजे उनके साथ थी? 11 बजे रात रहन उनके घरे बैठा रहन। राजकुमार नाचत रहन, ओलरा रहन, देख के आवा कहा चलो भैया, तो कहन कि राजकुमार कहे से सोवे था। तीन दिन से राजकुमार घेरे हन, जाय नहीं देता। कहाँ नहीं जाने दे रहे हैं? अपने घरे रखे हन, कहते हैं कि हमारे यहाँ बधा हुआ है मामा रह। अब हम कहते हैं कि जा भैया तू घरे, जा भैया तू घरे। तो कहते हैं कि हमके राजकुमार रोके हैं कि भैया वो बता हुआ है, रुका रहे मम्मा 2 दिन के बाद जाएंगे। आपको क्या लग रहा है इनकी हमारे भाई हैं भैया? आपको क्या इनके साथ क्या घटना घटी और आपको क्या लग रहा है कि अपने से बात है कि क्यों पूले पर से धकेली क्या पथरा पटके? किसी को राजकुमार के ऊपर? पूरा नाम? हाँ पूरा नाम। राजकुमार के पिताजी क्या नाम है? रामरक्षा। वो भी जिंदा है? रामरक्षा। रामरक्षा मर गया है। उनके पिता, उनके बेटे का नाम राजकुमार है। हाँ। तो उनका घर कहाँ है? कामापुर में। कामापुर थाना? थाना हो बिंदाजर। ये गैपुरा चौकी लगता है क्या? नहीं, गैपुरा चौकी है। गैपुरा चौकी है और थाना बिंदाजर पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये लग रहा है कि उनके साथ वो घटना घटा है? हाँ शक है भाई। 11 बजे रात हम देख के आवा उनके घर से लेटा है। अब इनकी बहन है। 11 बजे तक आपने? 11 बजे रात तक हम खड़ी हो। जिनकी मृत्यु हुई है वो आपके क्या है? हमारा भाई है।